आज हम कक्षा 10 में हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण में भी अलंकार पढ़ेंगे। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, अलंकार, अलंकार का तात्पर्य होता है गहने या आभूषण। तो जिस तरह आभूषण या गहने व्यक्ति की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी तरह अलंकार के प्रयोग से काव्य की सुंदरता को बढ़ाया जाता है, काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है। हम देखते हैं अब अलंकार का अर्थ क्या होता है। तो अलंकार शब्द का अर्थ है अलंकृत या विभूषित करने वाला, अलंकृत या विभूषित करने वाला। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। चाहे अलंकार में आप गहना ले लो, आभूषण ले लो, या यहाँ पर साहित्य में अलंकार ले लो, दोनों का ही कार्य क्या है, सौंदर्य में वृद्धि करना है। तो इसकी परिभाषा है कि काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं, कि काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं। अलंकार के भेद या प्रकार 3 होते हैं। पहला है शब्दालंकार, जिसमें शब्दों के माध्यम से अलंकार काव्य में वृद्धि होती है। दूसरा अर्थालंकार, जिसमें अर्थों के माध्यम से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है। और तीसरा है उभयालंकार, जिस काव्य में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों के द्वारा काव्य में सौंदर्य में वृद्धि होती है, उभयालंकार कहलाता है। अब हम देखते हैं कि आपके 10वीं के कोर्स में 3 अलंकार हैं, उनको देखते हैं। पहला वक्रोक्ति अलंकार, दूसरा अतिशयोक्ति और तीसरा है अनियोक्ति अलंकार। तो देखते हैं सबसे पहले वक्रोक्ति अलंकार। इसकी परिभाषा है कि जहां किसी उक्ति का अर्थ जानबूझकर वक्ता के अभिप्राय से भिन्न लिया जाए, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। कि जहां किसी भी का भी अर्थ जानबूझकर वक्ता के अभिप्राय से जो बोलने वाला है उससे अलग लिया जाए, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण है, को तुम है घनश्याम हो तो बरसों कित जाई। यहाँ पर राधा ने घनश्याम का अर्थ कृष्ण को समझते हुए भी बादल से लगाया। वक्रोक्ति अलंकार के 2 प्रकार हैं, श्लेष्म वक्रोक्ति और काको वक्रोक्ति। एक उदाहरण देखते हैं यहाँ पर दूसरा, कि कौन है शीश पे चंद्रकला और कहा या को नाम है त्रिपुरारी। हाँ, यही नाम है चंद्रकला कि भी भूल गई तुम प्राण प्यारी। नारी पूछत चांद चंदन ही नाही, कहे विजया यदि चंद लवारी। यो गिरी जाही छली गंग छिपा, खत शंभु हरे सब पीर तुम्हारी। अब उदाहरण को समझाते हुए यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर पार्वती जी शिव से पूछती हैं, त्रिपुरारी मतलब शिव और चंद्रकला पार्वती। यहाँ पार्वती शिव से पूछती हैं कि आपके सिर पर चंद्रकला चंद्रमा की किरणों के समान सुंदर नारी कौन है।
सिर पर चंद्रमा की किरणों के समान ये सुंदर नारी कौन है और इसका क्या नाम है? और शिव उत्तर देते हैं कि इसका नाम चंद्रकला ही है, तुम भूल क्यों गई हो? पार्वती कहती है, मैं नारी से पूछ रही हूँ, चंदा को नहीं। शिव कहते हैं, यदि विजया भी इसे चंदा बताए तो पार्वती बोली कि तब विजया झूठी है। यहाँ शिव पार्वती के कथन के जानकार ने उनके अभिप्राय से भिन्न अर्थ लगाया है, इसलिए इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। अब है दूसरा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जहां लोक मर्यादा को पार करते हुए किसी वस्तु या घटना का बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए अतिशयोक्ति अलंकार होता है। फिर से सुनिए कि जहां पर किसी भी वस्तु या घटना का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण है, पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चौपास, नित प्रति पूर्णिया ही रहत आनंद ओ उजास। यहाँ नायिका के मुख की कांति का अतिशय बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है। उदाहरण दूसरा है कि हनुमान के पूछ में लग न पाई आग, लंका सारी जली गई गए निशाचर भाग। और इस उदाहरण का स्पष्टीकरण है कि हनुमान के पूछ में आग लगने से पहले ही लंका का जलना वर्णित है और यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। इसका एक उदाहरण और है बच्चों, आपको पता होगा कि राणा ने सोचा इस पार, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, जब तक चेतक था उस पार। अर्थात कि यहाँ पर राणा सोच ही रहे हैं कि अचानक बहुत बड़ी नदी आ गई है, हम इसको कैसे पार करें, और उनका जो घोड़ा था चेतक उसने नदी भी पार कर ली। राजा के मन में ये विचार आते ही तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। फिर है तीसरा अनियोक्ति अलंकार। तो जहां अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध हो वहां अनियोक्ति अलंकार होता है। जहां अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध होता है वहां पर अनियोक्ति अलंकार है। मतलब जो वहां पर उपस्थित नहीं है पर उसका आभास कराया जाता है। अप्रस्तुत उसे कहते हैं जो प्रसंग में नहीं होता, और प्रस्तुत वह कहलाता है जो प्रसंग का विषय होता है। उदाहरण है, माली आवत देख कर कलियन करी पार, फूले फूले चुनी गए काला ही हमारी बात। और इसका स्पष्टीकरण कि माली कलियां और फूल अप्रस्तुत हैं, जिनके द्वारा प्रस्तुत काल जीवित प्राणियों और मृत वृद्धों का बोध कराया जाता है। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, कल ये क्या बोले, जो माली तो आया नहीं है अप्रस्तुत है, पर कलियन बोल रहे कि जो फूल गए उनको तो आज चुन लिया गया है, कल जब हम फूलेंगे कली से हम फूल में परिवर्तित होंगे तो कल हमारी बारी है, हमको भी चुन लिया जाएगा। फिर उदाहरण, दिन दस आदर पान के करिले आप बखान, जो लोग काज सराद पग तोल ले तो समान। स्पष्टीकरण यहाँ का प्रस्तुत है जिसके द्वारा नीच प्रकृति के मानव का बोध कराया गया है। बच्चों आज आपका यह अलंकार यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में लिखेंगे और नोट करेंगे, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी अलंकार दिए गए हैं, आप इनको बहुत अच्छे से याद करेंगे क्योंकि परीक्षा